छत्तीसगढ़ सरकार विकास की भले ही लाख दावे और वादे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आज भी कई गांव में पुल पुलिया रोड निर्माण नहीं होने से नालों में बांस बल्ली और ट्यूब से बनी रोड में अपनी जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिलाईगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम अलीकूद ताल गांव की, जहां आज भी नाला पार करने के लिए ग्रामीणों को ट्यूब और बांस बल्ली के बने पुलिया से जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ता है। जरा सी भी चोक ग्रामीणों की जान ले सकती है। वहीं आसपास के ग्रामीणों व अलीकूद के निवासियों की माने तो नाले में पुलिया नहीं होने के कारण ट्यूब और बांस की पुलिया से स्कूली बच्चों से लेकर व्यापारिक सामान खरीदी और बिक्री के लिए इसी मार्ग से रोज भटगांव और बिर्रा जाजगीर चांपा आना जाना करते हैं। ग्रामीणों ने आगे बताया कि कई बार क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विधायक व अधिकारियों से पुलिया निर्माण करने की कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पुल पार करते समय ग्रामीणों को भय बना रहता है कि कहीं कुछ चूक होने पर वे पानी में डूब न जाए। वहीं राहगीरों को भी अलीकूद व आसपास के गांव जाने के लिए ट्यूब व बांस के बने पुलिया से गुजरना पड़ता है। भटगांव जाने के लिए यह मार्ग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दूसरे रास्ते से जाने पर उन्हें 14 से 15 किलोमीटर अधिक तय करना पड़ता है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से अनादी टीवी के माध्यम से पुलिया निर्माण करने की मांग की है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन इनको कितने गंभीरता से लेते हैं और पुलिया निर्माण करते हैं या नहीं। बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से कमलेश पटेल की रिपोर्ट। यहाँ किस तरह की समस्या है रोड में आने जाने के लिए? अभी यहाँ तो अब नाला है, बैराज का पानी यहाँ तो पूरा भरा चुका है, भरा है, जो कि आने जाने के लिए गांव वालों को बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कब से है ये समस्या? ये समस्या जब से अब बैराज का पानी रुका है, करीब करीब ये अब 4 साल होने को है। अच्छा, इसके शिकायत जो है और कहीं कहीं किए आप? इसका शिकायत जो है सरकार के पास बहुत किए हैं, अधिकारी लोगों के पास किया और विधायक लोगों के पास भी, तो इनको बनाने के लिए, हमारी समस्या हल करने के लिए शिकायत जो है जाते रहते हैं। अधिकारियां और क्षेत्र के जो प्रतिनिधि कभी आए हैं क्या समस्या? हाँ, आते ही रहते हैं और देखते हैं और बस चले जाते हैं, कार्रवाई करेंगे बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। आपका परिचय? मेरा परिचय रोहित पटेल, गणेश रामचंद्र। यही से हो जी? कौन सा गांव है ये? अलीकूद। अच्छा, यहाँ क्या समस्या है रोड को लेकर के, किस तरह की परेशानी? उसमें से जाते हैं तो बहुत दूरी पड़ता है और इसमें नहाने से हम लोगों को डर लगता है, इसलिए सरकार से। अच्छा, अभी ये जो व्यवस्था बनाया गया है आने जाने के लिए, इसे किस प्रकार से बनाई गई है? ये तो प्राइवेट फंड से बनाया गया है। किस तरीके से बनाई गई है? क्या क्या लगा है यहाँ? इसमें ट्यूब लगा है और बल्ली लगा हुआ है। अच्छा, तो इस तरह के अगर रोड को देखते हुए आने जाने में आपको किसी प्रकार का कोई डर भी नहीं रहता? डर लगता है इसमें तो, और उसमें से धुएं से बहुत दूरी पड़ती है। क्या मांग करेंगे शासन से? शासन से हमारा अनुरोध है कि जो अधूरी रोड है उसको पूरा करें, पुल का मांग है हम लोगों की, इसमें पुल बनाने की कृपा करें। यहाँ पार करने में क्या क्या समस्या है? पार करने में बहुत समस्या है यहाँ पे, मान के चलिए बारिश की, अभी तो बारिश हट चुका है, बारिश के दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि जो चट्टाने दिख रही है अगल बगल पूरा पानी से लबालब रहता है और लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। जैसे हम ही लोग आज जा रहे हैं, जांजगीर जा रहा हूँ मैं, बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पे मान के चलिए क्षेत्रीय विधायक भी है, बिलाईगढ़ विधानसभा के अंतर्गत ग्राम ये अलीकूद ग्राम है और यहाँ पे लोग का आफ्ता लगा हुआ है नदी क्राफ्ट करके, कोई यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और बच्चों का एजुकेशन का सवाल है, बच्चे एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, भड़गांव जाते हैं, बिर्रा तक जाते हैं, तो यहाँ पे यानी मान के चलिए हर तरफ से परेशानी है। इस परेशानी को देखते हुए यहाँ पे लोगों को एक जो है मान के चलिए कि आफ्ता तो है, क्षेत्रीय विधायक है यहाँ पे तो आफ्ता लगा हुआ है, यहाँ पे पंचायत भी है, तो ये बनना चाहिए, सरकार को चाहते हैं कि ये पुल बनना चाहिए। रोड देखी जा रही है, किस तरह की रोड बनी है और क्या भय बना रहता है? ये बिल्कुल भय है, बिल्कुल भय है, क्योंकि ट्यूब के ऊपर बांस को बांध करके लगाए हैं और उसके ऊपर चल रहे हैं लोग जो है, हो सकता है ट्यूब अगर हवा से भरा हुआ है, अगर कहीं लीकेज हो गया, हवा अगर खुल गया रात में अगर हवा खुल गया मान के चलिए, तो जो है आदमी डूब भी सकता है, जान भी जा सकती है। आपका परिचय? हाँ, आपका परिचय? मैं राजेश बाटे, भारतीय जनता पार्टी से हूँ और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला महामंत्री हूँ मैं। और